नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे रुड़की। आपको बताएं कि रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल ने अपने पद से विगत दिनों इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने रुड़की नगर निगम का प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतीक जैन को प्रशासक बनाया है। आइए जानते हैं क्या कहा प्रतीक जैन ने। मुझे नगर निगम रुड़की के प्रशासक का चार्ज मिला है और आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो पहले तो मैं सभी जो नगर निगम रुड़की क्षेत्र अंतर्गत जितने भी नगरवासी हैं उन सबको मेरी तरफ से आगे के लिए बेस्ट विशेष भी देना चाहूँगा और मेरी तरफ से आह्वान भी करना चाहूँगा कि जो भी नगर निगम रुड़की के हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारा सहयोग करें और बेस्ट सिटीजन्स के रूप में अपना अपना सहयोग और प्रतिभाग नगर निगम रुड़की को दें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम नगर निगम रुड़की को पूरे प्रदेश में पूरे राज्य में एक बेहतर और उच्चतर नगर निगम की तरह हम प्रोजेक्ट कर पाएँ और जो भी इश्यूज हैं उसे अच्छे से रिजॉल्व करें और डेवलपमेंटल काम पे आगे फोकस करें। देखिए मैं आपको अपनी तीन प्राथमिकताएं बता देता हूँ। बरसात को लेकर तो आपने बात करी ही, लेकिन आज जो मैंने सोच रखा है कि शुरुआती दिनों में जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी वो तीन है। पहली तो यह है कि रेगुलेटरी और प्रोसीजरल चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैंने नगर निगम के काफ़ी सारे मुद्दों की बहुत गंभीरता से जांच भी करी है और मैंने ये पाया है कि थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, निर्माण को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी कुछ मेरे को देखने को मिली थी। तो पहले तो प्रोसीजरल और फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम है वो बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन तरीके से हों ताकि किसी भी तरह की शिकायत जो हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में देखने को मिलती है वो कम से कम मिले। दूसरा काम जो आप बता रहे हैं पानी और जल भराव को लेकर, ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट मैटर है रुड़की को लेकर। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि रुड़की में देखने को मिल रही है और इसके लिए हमारे द्वारा एक ड्रेनेज प्लान पे भी काम किया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हमारी टीम के साथ, पहले भी ड्रेनेज प्लान बना तो है लेकिन उस पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्रेनेज प्लान बना है उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी करें, किस तरह से जो वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है या बारिश का पानी जहाँ पे इनंडेशन की वजह से कलेक्ट हो रहा है उसको किस तरह से निकासी और उसका एग्जिट किया जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो प्राथमिक रूप से रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे कम से कम जल भराव हो और उसके लिए जो प्लान बनाना होगा उसके लिए हम कंसल्टेंट से भी बात करेंगे, नगर निगम से भी बात करेंगे और हमारे जो बाकी जल विभाग हैं, पेयजल निगम है जैसे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर रिक्शाज के इश्यूज में मेरे को डिटेल्स में जाना पड़ेगा, उसके बारे में आपने जैसा बताया मैं एक बार खुद स्वयं परीक्षण करूंगा कि कैसे उन्हें खरीदा गया, किस काम के लिए खरीदा गया था और अगर अब वो खराब स्थिति में है तो उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। नगर निगम काफी संपत्ति सर यहाँ पर खराब हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता ना अधिकारी ना जनप्रतिनिधि। बिल्कुल, देखिए नगर निगम की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी मैं एक बार पार्षदों के साथ भी एक मीटिंग करना चाहता हूँ। पार्षदों के साथ उनके वार्ड संबंधित इश्यूज हैं वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हर वार्ड में जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी होगी उसको भी एक बार अच्छे से असेस कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज करें, इनफैक्ट उससे किसी ना किसी तरह से रेवेन्यू भी नगर निगम को जनरेट हो ताकि नगर निगम के और जो काम है वो भी अच्छे से और सुचारू रूप से चल सके। सर लाइटों को लेकर भी आपको मुद्दा बहुत गर्माया रहता है यहाँ पर आती है। लाइट्स का मैंने ऑलरेडी परीक्षण कर लिया है, अभी SNO को मैंने बताया है कि मेरे को डिटेल में बताएं कि कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगाई हैं, नगर निगम कितनी ट्रैफिक लाइट्स को संचालित कर रहा है, उसमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उसकी भी डिटेल्स मैंने मांगी है। ऑब्वियसली नगर निगम एरिया है तो जो पूरा नगर निगम क्षेत्र है उसमें लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए ताकि पूरा जो नगर निगम क्षेत्र है रात को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरे द्वारा असेस किया जाएगा कहाँ कहाँ पे लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इंस्टॉल भी किया जाएगा। बैठक को लेकर बोर्ड, देखिए आज ही मैंने ज्वाइन किया है तो मैं पहले तो खुद से ही मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि नगर निगम के जितने भी इशूज हैं उसको खुद पर्सनल लेवल पे अच्छे से समझ लूँ। मुझे लगता है कम से कम 8-10 दिन लगेंगे इस चीज़ को करने में। सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू भी करना पड़ेगा, पार्षदों के साथ मीटिंग भी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, जो भी हमारी वर्किंग एजेंसीज हैं उनके साथ भी मीटिंग करनी पड़ेगी। एक बार ये सारे इश्यूज़ मेरे सामने जब मैं अच्छे से समझ भी लूँ और सबसे डिस्कस कर लूँ उसके बाद हम लोग पार्षदों के साथ मिलके बोर्ड बैठक की क्या डेट होनी चाहिए डिसाइड करेंगे।